अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मकबूला तला, फैशन डिज़ाइनर। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं आज ठीक नहीं हूँ, मेरा मूड ऑफ है। और ऑफ होने की वजह मैंने आप लोगों को कल भी बता दी थी रात में ही कि पैटर्न और स्विंग की क्लास है और उसमें मुझे लग रहा है कि मेरा आर्ट कार्ड की तरफ से थोड़ा इशू रहेगा, लॉकडाउन की वजह से मार्केट बंद होगी। बट फिर भी मैंने कुछ स्वेचेस वगैरह जो थे वो इकट्ठे करके अपना आज का काम पूरा किया ताकि लेक्चर मिस ना हो। तो कम टू द पॉइंट, हमारा थर्ड मंथ 12 वीक का असाइनमेंट है और यहाँ पर मैं ये मिनी पैटर्न और टेक्निक जो है वो साथ लेकर आया हूँ अपनी वर्कशॉप में, ताकि आप लोगों को मज़ीद जो है वो इस चीज़ को लेकर क्लियर कर दूँ कि ये हाई टेक्निक्स के पहले हम लोग होल डॉट जो है उसकी किस तरह से जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा होल फिटिंग एंड डॉट है और बोथ साइड जो है वो चेंज है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था और वो मैंने यहाँ पे बनाकर भी दिखाया था कि इसका राइट और लेफ्ट दोनों इक्वल नहीं है। और ये इक्वल होने की वजह सिर्फ यही है कि हमें टू टाइम इसकी प्रैक्टिस करनी पड़े। तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है? स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें इंची स्टेप चाहिए पेपर का मिट करने के लिए। तो ये मैं करने लगा हूँ पेपर का मिट, ये 10.5 या 10.5 समथिंग आएगा। इसको सेंटर लाइन आपको पता है कि मिनी में भी आपको मैं ये सामने रख लूँ ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए कि इसमें जो सेंटर लाइन है वो हमेशा ब्लू रहेगी। ठीक है, तो ये मैंने ब्लू लाइन सेंटर की जो है वो डिफाइन कर दी है। अब आप लोगों को पता है कि बेसिक डॉट के बाद, बेसिक ब्लाउज़ के बाद हम लोगों को उसको चेंज करना है, और चेंज करने की जो रीज़न है वो ये होती है कि अब हमारे सारे के सारे डॉट जो हैं वो होल फिटिंग पे बनेंगे। तो इसमें हमें दो डॉट नहीं चाहिए, एक डॉट चाहिए। तो इसलिए मैंने एक्सटेंसल में होल फिटिंग डॉट का जो है पैटर्न बना लिया ताकि हमारा टाइम जो है वो इसमें ज़ाया ना हो। तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले मैं यहाँ पर रखूँगा और इसकी वेस्ट लाइन को जो है वो मैं पॉइंट करूँगा रेड लाइन के साथ, जैसे कि वहाँ पर है 1, 2। लेकिन सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा एरिया डाउन मुझे और चाहिए, मैं इसको अप कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर से तो हमने इसको कुछ नहीं करना, बट नीचे से इसने जब बंद होना है तो इसने डायगोनल नीचे की तरफ जाना है। तो ये चीज़ मेरे माइंड से निकल गई थी मूड ऑफ होने की वजह से। तो कम टू द पॉइंट, इसको मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, यहाँ हो गया। यहाँ पर अब हम रखेंगे एक पिन, ये मैंने पिन रखी और यहाँ पर मैंने अपना डॉट फोल्ड किया और उसके बाद इसको बंद कर दिया। ठीक हो गया, यानी कि ये डॉट बंद हो गया है। अब बाकी का जो हमारा ब्लाउज है उसको एज इट इज़ हम लाइन अप करेंगे, और वो लाइन अप किससे करेंगे? वो फील्ड टिप नंबर 8 से करेंगे। और वो अगर मुझे मिल जाए आज, फील्ड टिप नंबर 1 मिल गया। ओके, अब इसकी नेक लाइन, ठीक है, शोल्डर लाइन, फ्रंट आर्म होल लाइन, फ्रंट साइड फिटिंग लाइन। ठीक है, यहाँ तक हम इसको लाइनअप करेंगे। इसको लाइनअप करने के बाद हम इसके अराउंड्स के पॉइंट को भी क्लियर कर देंगे। और यहाँ पर एक और पॉइंट लेकर हम इस पॉइंट को भी क्लियर कर देंगे कि यहाँ पर हमें इसको पॉइंट देना है। ठीक हो गया, अब मैं उठा लूँ इसको। ओके, मैं उठा लेता हूँ, मैंने इसको उठा लिया। तो ये हमारा रफ स्केच जो है वो आ चुका है। ब्लू लेंगे और डॉट्स जो हैं उनको क्लियर करेंगे, लेकिन ब्लू से पहले हम रेड लाइंस का इश्यू जो है ना वो क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये हमारे पास वेस्ट की लाइन और ये डॉट बंद करने के बाद की वेस्ट की लाइन, यहाँ तक। ओके हो गया, अब हम अपने डॉट को बंद करेंगे, सॉरी बंद नहीं करेंगे, उसको शॉर्ट करेंगे। नंबर वन, फिटिंग का एंड और बस्ट पॉइंट को मैच करते हुए हमने ये डायगोनल लाइन ले ली और इसी तरह फिटिंग के पॉइंट पे और बस के पॉइंट पे, तो ये हमारा डॉट ओपन हो गया। अब हम इसमें बस्ट और चेस्ट लाइन जो है उसको भी क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग चेस्ट लाइन क्लियर करेंगे। चेस्ट लाइन के लिए अंडर आर्म से डायगोनल और फिर मिड बस्ट से स्ट्रेट। ये मैं खुद से नहीं कर रहा, ये पैटर्न लॉ है, जो उसने पॉइंट मुझे बताया मैंने उसी को फॉलो करना है। यहां से भी इसी तरह और यहां से फिर डायगोनल। सो हमारा वन साइड जो है वो बन चुका है यहाँ पे।
ठीक हो गया। अब इसको सेकंड टाइम हमने बनाना है, वो क्यों बनाना है, सिर्फ इसकी नेकलाइन की वजह से बनाना है, लेकिन एक्चुअल पैटर्न हमें चाहता है कि हमें इसको बनाना आना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो अगर हम लोग बनाना सीख जाएंगे तो हम लोग कभी भी कोई भी मैगजीन ओपन करेंगे या टीवी पे कोई ड्रेस देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी टेक्निक्स क्या हैं और ये बना कैसे है। तो अब यहाँ पर फिर हम आते हैं वही, ये मैंने पैटर्न रखा इक्वल और ये मैंने पिनअप कर दिया। पिनअप करने के बाद मैंने डॉट की पॉइंट लगाया, ठीक है, और इसका डॉट बंद कर दिया और ये पॉइंट कर दिया, ठीक है। ब्लाउज को वापस अपनी जगह पर ले गया और उसके बाद हमने इसके ऊपर लाइन अप करना है। फ्रंट साइड फिटिंग, फ्रंट आर्म होल मिड, सॉरी आर्म होल नॉट मिड, शोल्डर लाइन, बेसिक नेक लाइन, यहां तक ये क्लियर हो गया। अब एक और पिन के साथ बस्ट पॉइंट को भी पॉइंट कर दूंगा, ये मैंने पॉइंट कर दिया, क्लियर। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को जो है उठा लूंगा, ये मैंने दोनों पॉइंट्स उठा लिए, एक्सटेंसिल को साइड पे किया एज इट इज, वेस्ट लाइन जो है उसको प्रोमिनेट करेंगे रेड के साथ और डॉट बंद करने के बाद बाकी की वेस्ट लाइन को भी प्रोमिनेट कर देंगे इसके साथ, एक्यूरेट शेप आ गई। अब ब्लू लेंगे और ब्लू के साथ हम इसके डॉट की पोजीशंस को क्लियर करेंगे, फिटिंग का एंड और बस्ट का पॉइंट इसको मैच कर देंगे एज इट इज, फिटिंग का एंड और बस्ट पॉइंट, ठीक हो गया। अब इसके बाद इसकी चेस्ट और बस्ट के पॉइंट्स जो है उसको क्लियर करेंगे सेंटर पे इस तरह और फिर चेस्ट पॉइंट से अंडर आर्म इस तरह, इसी तरह फिर वेस्ट का सॉरी बस्ट का और बस्ट के बाद ये बस्ट का, तो यहां हमारा जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप देखें ये जो हमारे पास मिनी था उसी मिनी को सामने रखते हुए हमने इसका लार्ज जो है वो क्लियर किया। और मैं फिर आपको बताता चलूं कि ये परफेक्ट नहीं है, माइंड इट ये परफेक्ट नहीं है। यहाँ पर अब स्टूडेंट का रिव्यू चक्कर शुरू हो जाता है। यहाँ रिव्यू चक्कर क्या शुरू हो जाता है ये आप चेक करें, यहाँ पे चेस्ट और बस्ट को बिल्कुल स्ट्रेट दे दिया गया। अगर ये माइनर सा पॉइंट भी आपने मिस कर दिया और इसको अंडर आर्म तक ना लेकर गया, क्योंकि चेस्ट लाइन हमेशा अंडर आर्म पे होती है, अगर आपने इस थोड़े से पॉइंट को भी एक्यूरेट ना किया तो आपको पूरा पैटर्न गलत हो सकता है, यानी कि 2.5 मार्किंग आपकी खत्म हो सकती है इस एक पॉइंट की वजह से। ये माइंड में रखना है अपना हमेशा। ओके, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब हम इसकी नेक लाइन का जो कॉम्प्लिकेशन है उसको क्लियर करते हैं। मैं इसके शोल्डर को दूंगा 1 scale, यहाँ पर मैंने इसका 1 scale करके इसको डायगनली डाउन कर दिया है, ठीक है, रैंडमली लाइन डाउन की है। इसके लिए मेरे पास कोई एक्यूरेट जो है वो मेजरमेंट नहीं है। इसी तरह सेकेंड साइड पर भी रैंडमली लाइन को डाउन कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं इसको 1 scale, 1.5 scale तक ले जाता हूँ, ठीक है, यानी 3 inches, और यहाँ पर मैं 3 scales तक ले जाऊंगा यानी कि 6 inch, ये मैं 6 inch तक डाउन ले आया। ये मैंने 3 inch किया, ये मैंने 6 inch किया और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मैं मैच कर दूंगा, तो ले जनाब हमारा नेकलाइन इसके ऊपर रेडी है। तो आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये कैसे बना है, ठीक हो गया है। तो अब मैं इसको करता हूँ कटिंग, क्योंकि अब हमारे सारे एपिसोड जो है वो सेपरेटली बनेंगे और उसके बाद हम उसको कंबाइन करेंगे। तो इसकी कटिंग करता हूँ, आज देखें कटिंग की किस तरह से होती है। वैसे तो आपको पता ही है लेकिन मैं भी करके दिखा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, वैसे तो मैं ये वोबली बनाना चाह रहा था लेकिन थोड़ा सा फास्टली मैंने ये बना दिया ताकि टाइम हम लोगों को बच सके, क्योंकि हम लोगों ने इसकी स्टिचिंग भी करनी है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फ्रंट और बैक के पैटर्न को रीचेक कैसे करते हैं। ये आपके पास फ्रंट का पैटर्न है या आपके पास बैक का पैटर्न है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको चेक करने के लिए रखेंगे आर्म होल और नेकलाइन की शेप देखेंगे।
यहाँ ये एक्यूरेट शेप है, यहाँ पर भी ये एक्यूरेट शेप है। उसके बाद साइड फिटिंग चेक करेंगे, अप एंड डाउन कोई इशू ना हो, ठीक है। इसी तरह बोथ साइड पे कोई इशू ना हो, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है टॉप, यानी कि फ्रंट और बैक, ठीक हो गया। अब हम लोग बनाते हैं इसकी स्कर्ट, और आई थिंक स्कर्ट में कुछ बताने वाला है नहीं, फोर पैनल है, फुल स्कर्ट है। तो टाइम बचाने के लिए मैं उसको भी थोड़ा सा फास्टली ले जाता हूँ, और टॉपिक फिर हम लोग स्लीव का जो होगा ना उसको डिस्कस करेंगे। तो आए चलें, अब मैं आपको स्कर्ट जो है वो थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ कि फुल स्कर्ट कैसे बनाएंगे हम। जी स्टूडेंट्स, स्कर्ट भी हमने बना ली, और अब हम चलते हैं स्लीव्स की तरफ। और स्लीव बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सेंटर लाइन, इसकी सेंटर लाइन को हम ब्लू के साथ प्रोमिनेट कर देंगे, और स्लीव कैप जो है उसको रेड लाइन के साथ। ये मैंने कर दिया, ठीक हो गया। अब हम लोग फिल टिप लेंगे, और फिल टिप के साथ इसका जो पॉइंट्स हैं उनको शिफ्टिंग कर देंगे पेपर पे। स्लीव साइड सीम, बैक स्लीव कैप, फ्रंट स्लीव कैप, स्लीव साइड सीम, और डाउन हेम लाइन जहाँ पर हेमिंग होगी, ठीक हो गया। ये हम लोगों ने यहाँ पे स्लीव को शिफ्टिंग कर दी। अब इसके बाद हमारे पास जो पैटर्न है वो अब है कि आपने कैप गैदर जो है ना वो ऐड करना है, यानी कि जो इसका कैप है इसमें गैदर ऐड करना है। तो कल भी मैंने आपको बताया कि इसके बिल्कुल नैरो पॉइंट पे रखेंगे, और वन स्केल तक इसको ऊपर से अप कर देंगे, यानी कि 5 सेंटीमीटर वन लाइन एज इट इज़, ऊपर से 5 सेंटीमीटर और नीचे से वही नैरो पॉइंट नंबर टू, ठीक हो गया। एज इट इज़ यहां से भी वन स्केल और नीचे से नैरो लाइन, दिस वन एज इट इज, ऊपर से 5 सेंटीमीटर और नीचे से नैरो पॉइंट। तो ये था स्टेप टू। स्टेप वन बेसिक स्लीव ट्रेस किया, स्टेप टू हमने इसकी पोजीशंस को डिफाइन किया कि क्या करना है, और स्टेप थ्री इसकी कटिंग करके पेस्ट करनी है। तो वो मैं थोड़ा फास्टली करूंगा क्योंकि टेक अ टाइम, और आपको पता कि टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा फास्टली लेके जाऊंगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम लोगों ने अपना लार्ज साइज़ पे पैटर्न जो स्लीव्स का है वो भी बना दिया। कल ये मैंने आप लोगों को बताया था कि मिनी पे इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं, थोड़ा कैमरा बिल्कुल करीब करके बताया था, और यहाँ पर अब मैंने उसको लार्ज साइज़ पे कन्वर्ट कर दिया। सेम एज इट इज़, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और पैटर्न शीट पे भी 1 2 3 4 5 सेम एज इट इज़ हम लोगों ने उस स्लीव को भी बना लिया। और अब हम लोग चलते हैं इसके स्विंग की तरफ, और लाइन अप करते हैं इसको, ट्रेस अप करते हैं, और उसके बाद इसकी स्टिचिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं कि ये क्या लुक बनती है, ठीक हो गया। Thank you.
जी स्टूडेंट्स, स्क्वायर डायगोनल नेकलाइन, फिटिंग का होल डॉट, यानी और कहीं पर भी डॉट नहीं है, जस्ट ये वन डॉट है और फिटिंग वही फ्रंट स्कर्ट और इसी तरह बैक स्कर्ट और यहाँ पर आर्म होल गैदर स्लीव और ये हाफ स्लीव थी, ठीक हो गया। इसमें ये गैदर्स दो फ्रंट पे, दो बैक पे और एक सेंटर पे। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट स्टिचिंग प्रोजेक्ट और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड इंशाल्लाह अब नेक्स्ट आप लोगों के साथ मुलाकात होगी सबमिशन पे और वो होगी कल। तब तक लिए अपना क्या रखेगा तो हमें याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।